भूमिका निभाई। तो कैसे, उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लैंड, आप मैप आपके घर रूम में हो तो आप खोल के देख सकते हैं कि इंग्लैंड की भौगोलिक अवस्थिति। तो इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, और समुद्र चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। तो चारों ओर से जब इंग्लैंड समुद्र से घिरा हुआ है, तो वह यानी इंग्लैंड एक सक्षम नौसेना का विकास करने में सफल, क्योंकि जब वह चारों ओर से इंग्लैंड समुद्र से घिरा हुआ इंग्लैंड, तो कहीं भी उसे व्यापार भी करना, मान लीजिए कि उसे अमेरिका से ही व्यापार करना, तो उसे एक नौसेना जहाज भी चाहिए, एक सक्षम नौसेना भी चाहिए। कहीं युद्ध भी हो रहा है तो कहीं जाना है तो उसे समुद्र से होकर गुजरना है, तो सबसे पहले उसने एक सक्षम नौसेना का विकास करने में ध्यान दिया, और उसने एक सक्षम नौसेना खड़ा करने में सफल भी, एक शक्तिशाली नौसेना का उस विकास किया। और उसकी जो नौसेना थी विश्व में श्रेष्ठ। तो इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, अतः वह एक सक्षम नौसेना का विकास करने में सफल। और इसी नौसेना के बल पे, इसी नौसेना को दम पे उसने एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य खड़ा किया, और उस उपनिवेश से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाकर उन उपनिवेशों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया। आर्थिक लाभ से पूंजी उसके पास है, और उस पूंजी ने मशीनीकरण के लिए जो पूंजी की मांग थी, जो पूंजी की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पूरा कर दिया। फलतः औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त। तो साथ ही इंग्लैंड में समुद्र तटीय होने के कारण उसने जहाज, उसके आवश्यकता थी जहाज की, तो वहां जहाज उद्योग का भी विकास पर्याप्त मात्रा में हुई थी। अब दूसरी, अगर हम समझे कि समुद्र तटीय होने के कारण, इंग्लैंड समुद्र तटीय होने के कारण वहां जो जलवायु थी नम जलवायु मौजूद थी, तो इंग्लैंड में नम जलवायु मौजूद, और नम जलवायु वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल होती, तो वहां पे वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विकास। तो साथ ही जब वहां पे बंदरगाह, तो साथ ही बंदरगाह भी यहां पे मौजूद होंगे क्योंकि समुद्रवर्ती तटीय क्षेत्र है। तो साथ ही बंदरगाहों की उपस्थिति से व्यापारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला, और व्यापारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला, और इस जब बंदरगाह मौजूद थे तो वस्तुओं को आवागमन आवाजाही में भी सुगमता हुई, वस्तुएं आराम से आ जा रहे थे, नौ परिवहन की सुविधा जो थी क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र थे और बंदरगाह भी मौजूद, तो नौ परिवहन में सुविधा हुई और वस्तुओं का आवागमन सुविधा हुई, उसमें सुगमता हुई। अगर दूसरी बात को समझे कि समुद्र तटीय होने के कारण वो समुद्र से चारों तरफ से जो घिरा था, तो वह अन्य यूरोपीय राष्ट्र, यानी जब वो समुद्र से चारों ओर से घिरा है, इसका मतलब क्या है कि स्थलीय मार्ग से, यानी स्थल मार्ग से अन्य यूरोपीय राष्ट्र से वह जुड़ा नहीं था। और अन्य यूरोपीय राष्ट्र जब स्थल मार्ग से जुड़ा नहीं था, यानी इसका हम का नाम यह हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड स्थलीय मार्ग से किसी भी अन्य यूरोपीय राष्ट्र से जुड़ा नहीं था। जब वो स्थल मार्ग से जुड़ा नहीं था, तो वह सीमा विवाद और अनावश्यक युद्धों से बचा, क्योंकि सबसे बड़ी विवाद देशों में होती है वह सीमा विवाद को लेकर। और सीमा विवाद इतनी होती है, जैसे मैं भारत पाकिस्तान को ही देखी कि सीमा को लेकर कैसे लड़ाई होती रहती है, भारत चीन के भी कभी डोकलाम हम पर विवाद होते रहती है, कभी वो कहता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है, कभी ये कहता हमारा है, वो कहता जम्मू कश्मीर हमारा है, वो कहता हमारा है। तो सीमा विवाद एक बड़ी समस्या है देशों के लिए, और वह समस्या इंग्लैंड के पास मौजूद नहीं थी, वह इससे स्वतंत्र था, तो वह अनावश्यक युद्ध भी नहीं, तो अनावश्यक युद्ध में नहीं पड़ पाया क्योंकि अनावश्यक युद्ध से बचा रहा, क्योंकि अनावश्यक युद्ध सीमा को ही लेकर होते, पूछो बात हुई एक गोली वो मार दिया, एक बारूदी फेंक दिया, अनावश्यक युद्ध हो रहा है जिससे कोई किसी को फायदा नहीं होना बल्कि नुकसान ही होने वाला दोनों का। तो इंग्लैंड सीमा विवाद और अनावश्यक युद्धों से बचा, ऐसे में वह आर्थिक संसाधनों के, अपने जो उनके आर्थिक संसाधन थे उन संसाधनों को वे
मशीनीकरण के कार्यों में करने में सफल, क्योंकि अनावश्यक युद्ध नहीं किए तो आर्थिक संसाधन उनके पास थे, उन संसाधनों के वे मशीनीकरण के कार्यों में करने में सफल रहे। और अन्य देश अपने में लड़ते रहे, अन्य देश जो भी सब थे वो सीमा विवाद में लड़ते रहे, और ये अपना पैसा धन दौलत जो था वो मशीनीकरण में लगाया, लड़ाई नहीं किया, अनावश्यक युद्ध नहीं किया, क्योंकि उसे अनावश्यक युद्ध के लिए मौके नहीं मिले क्योंकि सीमा विवाद ही नहीं था। तो ये थी भौगोलिक अभिस्थिति जिसने इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बनाने में सहायकता की, उसे अग्रदूत बनाने में सहायक की भूमिका निभाई। तो साथ ही इंग्लैंड कोयला एवं लोहा जैसे खनिज मौजूद, कोयला ऐसे बात करें कि कोयला और खनिज, कोयला और लोहा जैसे खनिज यहां पे मौजूद, समझिए लोहा है और लोहा को गलाने के लिए कोयला है, तो लोहा को गलाने के लिए जब कोयला होगा तो लौह उद्योग का विकास हो, लौह उद्योग, और लौह उद्योग का विकास होना अन्य उद्योगों के जो अन्य उद्योग है उसके, लौह उद्योग से सहायक अन्य उद्योग है वो सबके विकास के बढ़ावा में, परिवहन के सुविधा के लिए, परिवहन के विकास के लिए जो मशीनीकरण चाहिए, मशीन जो चाहिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति लौह उद्योग से हो जाती। तो लौह कोयला और लोहा जहां मौजूद वहां ये तय है कि लौह उद्योग का विकास होगा, क्योंकि लोहा को गलाने के लिए संसाधन के रूप में कोयला मौजूद और लोहा गली, लोहा का विकास हुआ, लोहा को गलाकर लौह उद्योग का विकास हुआ। और लौह उद्योग का विकास होने से अन्य सहायक उद्योग और परिवहन के लिए जो मशीन की जरूरत थी उस जरूरत को लौह उद्योग से पूर्ति हुई। फक्त अन्य लौह उद्योग का विकास होना समझिए कि अन्य उद्योग का बड़ी उद्योग धंधे लग जाएंगे, अपने आप लग जाएंगे, क्योंकि किसी भी उद्योग को, अधिकतर उद्योग को खड़े होने में मशीन की जरूरत पड़ती है, और लौह उद्योग जहां हो वो मशीन की जो भी आवश्यकता होती है वो पूर्ति कर देते। तो अन्य उद्योगों के वहां पे इंग्लैंड में अन्य उद्योग भी खड़े हो गए लौह उद्योग के विकास होने से, और इसी क्रम में रेलवे का वहां परिचालन भी जिसने औद्योगिक क्रांति को प्रेरित किया, बढ़ावा दी, उस औद्योगिक क्रांति की जो मार्ग चल रही थी उसे और हवा दिया, उसे और बढ़ा दिया। और मार्क्स का एक कथन भी है, मार्क्स का एक कथन भी है कि जिस देश में कोयला और लोहा मौजूद हो और वहां परिवहन के साधनों का